दोस्तों कहते हैं कि हुनर किसी की मोहताज नहीं होती है, और दोस्तों यह बात साबित कर दी है अयोध्या के ऋषि सिंह ने। जी हाँ, जब 20 साल के ऋषि इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर चुने गए तो पूरे अयोध्या में जश्न मना। गुरुद्वारे से शुरू हुआ ऋषि के सिंगिंग के स्ट्रगल ने आज उन्हें इंडियन आइडल 13 के विनर के मुकाम तक पहुँचा ही दिया। दोस्तों ऋषि की सिंगिंग का सफर जितना संघर्ष से भरा है उतना ही प्रेरणादायक भी है। जी हाँ, बता दें कि 2 जुलाई 2003 को अयोध्या में जन्मे ऋषि सिंह ने म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। ऋषि को उनके पिता ने गोद लिया था। दोस्तों आपको बता देंगे, ऋषि सिंह को संगीत की पहली प्रेरणा घर के पास स्थित गुरुद्वारे से मिली, जहाँ उनके पिता राजेंद्र सिंह और माँ अंजलि सिंह सेवादार हैं। और 4 साल की छोटी सी उम्र से ही ऋषि उनके साथ गुरुद्वारे में सत्संग में जाता था। जी हाँ, यानी कि दोस्तों 4 साल की उम्र से ही ऋषि अपने माता पिता के साथ सत्संग में गाने लगा। इसके बाद मंदिरों में भजन और आर्ट ऑफ लिविंग के कई प्रोग्राम्स में उनकी प्रतिभा निखरती चली गई। दोस्तों ऋषि सिंह ने अपनी प्राइमरी और इंटरमीडियम तक की शिक्षा अयोध्या के शहादतगंज में द कैब्रियन स्कूल से की, और उसके बाद एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स करने हिमगिरी विश्वविद्यालय देहरादून चले गए। जी हाँ दोस्तों, बता देंगे ऋषि के पिता राजेंद्र सिंह हर पिता की तरह अपने बेटे को मेहनत करके अच्छी नौकरी करने की शिक्षा देते थे, लेकिन बेटा तो दुनिया में नाम कमाना चाहता था। और दोस्तों यही वजह है कि देहरादून में पढ़ाई के दौरान भी ऋषि का संगीत प्रेम नहीं छूटा और ऋषि ने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि ने इंडियन आइडल के 11वें सीजन में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अफसोस 3 राउंड के बाद ऋषि 4th राउंड में शो से बाहर हो गए। जी हाँ, फिर भी अपनी लगन में कमी नहीं आने दी और एंड में ऋषि को जो भी मिला है छप्पर फाड़ के मिला है। इंडियन आइडल 13 को जीतकर आज ऋषि कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब उसके आगे उसकी शोहरत है और वह सब कुछ जिसके लिए लोग सपने देखते हैं, लेकिन यह तो महज शुरुआत है। जी हाँ, वैसे दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 13 में ऋषि के शानदार और यादगार सफर के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।